गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एमए फाइनल हिस्ट्री की क्लास में वेलकम है। तो कल बच्चों हमने किया था इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध, कि कैसे इतिहास बाकी विषयों के लिए एक आधार है, कैसे बाकी विषयों के साथ इतिहास के घनिष्ठ संबंध है। इसमें हमने किया था, फर्स्टली किया था राजनीति शास्त्र के साथ इतिहास का संबंध, उसके बाद नीति शास्त्र के साथ, इसके अलावा हमने किया था विधि शास्त्र के साथ संबंध, मनोविज्ञान के साथ संबंध, समाज शास्त्र के साथ संबंध। तो इसी तरह कल हमने काफी विषयों के साथ इतिहास का संबंध कर लिया था। आज हम उसी टॉपिक को बच्चे कंटिन्यू करते हैं और अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इतिहास और धर्मशास्त्र, कि इतिहास और धर्म का आपस में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि जो धर्म है वो हमारे मानव जीवन का, जब से आदि मानव से लेकर आज तक, जो धर्म है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। धर्म के बिना भी हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, मानसिक स्थिति है, मनोविज्ञान है हमारा, वो एक कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इतिहास और जो धर्मशास्त्र, इन दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। हम बात करें कि जो धर्म है उनके बारे में बहुत से इतिहासकारों ने इतिहास लेखन किया है, जैसे कि गिबन, मैकाले, मैकलन और एटन, ये इत्यादि इतिहासकार है जिन्होंने अपने इतिहास लेखन का जो केंद्र बिंदु किसको चुना है, धर्म को चुना है। इन्होंने धर्म के क्षेत्र को महत्व देते हुए अपना इतिहास लेखन कार्य किया है। इसी तरह जो विश्व के विभिन्न धर्म है, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, तो ये जो विश्व के विभिन्न धर्म है इनके बारे में भी, मतलब अलग अलग युगों में इनका, इन धर्मों का अपना इतिहास रहा है। तो इनसे हमें बहुत सी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह हम देखें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, हम यदि बात करें तो जो यूरोप में पुनर्जागरण आया था, इसके अलावा जो यूरोप में, पूरे विश्व में धर्म सुधार का कार्य शुरू हुआ था, तो उसमें भी जो इतिहास लेखन धार्मिक दृष्टिकोण से किया गया था। तो इस तरह भी जो इतिहास और धर्म है एक दूसरे से संबंधित है। परंतु बच्चे हम फिर भी कह सकते हैं कि इतिहास और धर्म दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, परंतु जो धर्म का क्षेत्र है वो सीमित है और जो इतिहास का क्षेत्र या स्वरूप है वो विस्तृत है। जो इतिहास है वो धर्म के अंदर नहीं आ सकता, जो इतिहास धर्म है वो इतिहास के अंदर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच समानता भी है, या इनके बीच घनिष्ठ संबंध है या नहीं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि चाहे दोनों में आपस में मेल खाते हैं या नहीं, परंतु फिर भी इन दोनों के बीच संबंध पाए जाते हैं। और जो हमारे धर्म है उनसे बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि प्राचीन काल से लेकर अब तक के बारे में हमने जानना हो तो हम किसका सहारा लेते हैं, हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का। तो इस तरह जो धर्मशास्त्र है और इतिहास है, इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इतिहास और मानव शास्त्र। तो बच्चे जैसे हमने समाज शास्त्र किया था वैसे ही मानव शास्त्र है, परंतु इनमें एक डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, कि कौन सा डिफरेंस है, कि जब हम, मानव किस में रहता है, समाज में, और इतिहास किसका लिखा जाता है, मानव का। परंतु क्या है, जो इतिहास और मानव शास्त्र दोनों एक दूसरे से संबंधित है, मानव शास्त्र, परंतु इतिहास में हम किस चीज का इतिहास लिखते हैं, अलग अलग समाजों के व्यक्तियों के बारे में इतिहास लिखते हैं। और जो मानव शास्त्र है इसमें किसका इतिहास लिखा जाता है, सिर्फ आदर्श मानव का अध्ययन किया जाता है। एक इसमें डिफरेंस है, क्लियर, कि जो मानव शास्त्र है उसका अध्ययन बिंदु कौन होता है या केंद्र बिंदु,
आदर्श मानव होता है। तो मानव शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? जो आदर्श मानव है उसके कार्यों और उपलब्धियों का विवरण इतिहास या मानव शास्त्र के अंडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इतिहास और सैन्य विज्ञान। तो सेना का प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे इतिहास के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब हम सेना की बात करते हैं तो सेना में हम किस चीज की बात करते हैं? सेना की संख्या की बात, सैनिक नियमों की बात, सेना में अनुशासन की बात, इसके अलावा उनके युद्ध प्रणाली के बात, उनके युद्ध में विजयों के बारे में, उनकी प्राज्ञा के बारे में, उनकी प्राज्ञा के कारणों के बारे में पढ़ते हैं, उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में पढ़ा जाता है। अगर हम इतिहास और सैन्य विज्ञान के आपस में संबंधों की बात करें तो इनमें घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि जो वर्तमान समय में हमें जो प्राचीन काल के सैन्य विज्ञान या सैन्य व्यवस्था से हमें बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला है। इस तरह हम बच्चों कह सकते हैं कि जो इतिहास में वर्णित सेना व्यवस्था है, जो हमारे इतिहास में वर्णित जो व्याख्यात सेना व्यवस्था की गई है उससे हम, और जो वो सेना व्यवस्था है वो हमारी वर्तमान सैनिक व्यवस्था या सेना व्यवस्था में सहायक सिद्ध हो रही है। क्योंकि अगर हमारा इतिहास ना होता, अगर सेना व्यवस्था का इतिहास ना होता तो हम पुरानी या अतीत की सेना व्यवस्था के बारे में ना जान पाते। अगर हम इसके बारे ना जान पाते तो हम जो वर्तमान सैन्य व्यवस्था है उसमें अच्छी तरह का कार्य नहीं कर पाते, उसमें चेंज नहीं कर पाते। तो इस तरह इतिहास और सैन्य विज्ञान का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इसी कारण जो आज कुछ जो विद्वान है वो सैनिक विज्ञान या सैनिक इतिहास लेखन की तरफ अपनी कलम उठा रहे हैं ताकि वो सेना संबंधी इतिहास लेखन कार्य कर सके। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं इतिहास और नीति शास्त्र के बीच क्या संबंध है। नीति का अर्थ होता है बच्चे नियम। ओके, तो आज इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दे दी गई है। जो नीति शास्त्र को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अब नीति शास्त्र का एक नया नाम बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं एथिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के एथिक्स किसको कहते हैं? एथिक्स किसको कहते हैं? नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका इतिहास के साथ घनिष्ठ संबंध कायम किया गया है। तो नीति शास्त्र के अंदर हम बच्चों सदाचार के नियमों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सदाचार के नियमों का अध्ययन नीति शास्त्र के अंदर किया जाता है। तो इस तरह इतिहास में जितने भी सदाचार हुए हैं या सदाचरण हुए हैं उनको हम नीति शास्त्र ने नीति संगत और दुराचारणों को अनीतिपूर्ण घोषित कर दिया है, जिसके आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि किस नैतिकता पूर्ण इतिहास का हमने अध्ययन करना है, किस इतिहास को हमने अंगीकृत करना है और किस इतिहास को हमने घृणा की दृष्टि से देखना है। कि मतलब जब हम इतिहास लेखन कार्य करते हैं, अगर हम उसमें नीति शास्त्र के अंदर सदाचार के नियमों का पलायन करते हैं या सदाचार के नियमों का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये इतिहास लेखन कार्य अच्छा है, ये बुरा है। अगर नीति शास्त्र ना होता, सदाचार के नियम ना होते तो क्या हम अच्छे और बुरे में अंतर को जान पाते? नहीं जान पाते ना। तो इसलिए अच्छे और बुरे के अंतर को जानने के लिए किसका सहारा लेते हैं? हम नीति शास्त्र या सदाचार के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों जैसे एक इतिहासकार है वो अतीत ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों के, क्या है, जो एक इतिहासकार है वो ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों पर अपने युग के नैतिक सिद्धांतों के विषय के बारे में जानकर ही क्या करता है, वो इतिहास
लेखन कार्य करता है। तो अगर हम ठीक ही जो इतिहासकार है उन्होंने ठीक ही कहा है कि एक नेक इतिहासकार क्या करता है, कभी भी सदाचार या नीति शास्त्र के नियमों की उपेक्षा नहीं करता, वो इनके अंदर ही अपना इतिहास लेखन कार्य करता है। तो इस तरह इनके बीच अच्छे संबंध है। उसके बाद आता है इतिहास और अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब है पैसा या धन। तो अर्थशास्त्र प्राचीन काल में सबसे पहले किसने लिखा था? कौटिल्य ने। ओके, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है। किसने कहा था? कौटिल्य ने। तो इस तरह हम प्राचीन काल से लेकर अब तक के इतिहास में आर्थिक शास्त्र और आर्थिक गतिविधियों या नीतियों का अवलोकन करके हम अपनी नवीन नीतियों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह जो आर्थिक इतिहास है या अर्थशास्त्र है उसको आर्थिक विचारों का इतिहास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक विचारों का इतिहास भी अर्थशास्त्र को कहते हैं। तो बहुत सारे जो हुए हैं विद्वान लेखक इतिहासकार जैसे कि नेहरू, गांधी, लोहिया, कुदरसे, भरकले, हीगल, तो इन्होंने जो इतिहास लेखन किया था उन्होंने इनका जो आर्थिक इतिहास था वो आज की अर्थव्यवस्था के लिए काफी वरदान सिद्ध हुआ है। तो इस तरह इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच भी घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इतिहास और भूगोल के साथ संबंध। तो जैसे अन्य विषयों के साथ इतिहास और भूगोल का भी अच्छा संबंध है, इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। भौगोलिक ज्ञान के बिना बच्चे हम राजनीतिक ज्ञान और सैन्य इतिहास, इसके अलावा राष्ट्रीय इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते। भौगोलिक इतिहास के अंदर हम किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो इस तरह जो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए जो हमारा प्राचीन काल का इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है, उसकी जानकारी के लिए हमें भूगोल की जो नॉलेज या जानकारी है होनी आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी वास्तविक या विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमको उनके एरिया के बारे में नहीं पता चलेगा, उनकी भौगोलिक सिचुएशन के बारे में नहीं पता चलेगा, तो हम उनके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर सकते। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, दस्तावेज नहीं मिलेंगे, तो हम अपना इतिहास लेखन कार्य भी अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है, अगर वहां के हमें जलवायु के बारे में, भूगोल के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, तो इतिहासकार है क्या है उनके बारे में, जो सिंधु सभ्यता के बारे में अपना लेखन कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरह जो इतिहासकार क्या करता है, जिन भू दस्तावेजों का प्रयोग करके इतिहास लिखता है, मतलब जिन वो धरती से या भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड दस्तावेजों का प्रयोग करके इतिहास लिखता है, तो इन दस्तावेजों का संबंध किससे होता है? भूगोल से। ओके, क्लियर। तो इस तरह प्रोफेसर जे आर ग्रीन ने अपनी बुक लिखी थी द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड में, उन्होंने इस कथन को स्वीकार किया था कि जो भू दृश्य है वो निश्चित और विश्वसनीय दस्तावेज होते हैं, कि जो भू दस्तावेज है वो विश्वसनीय और निश्चित दस्तावेज होते हैं। तो इस तरह जब हम राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की बात करते हैं, कि एक राष्ट्र के करैक्टर के निर्माण की बात करते हैं, तो उसका भूगोल के साथ सीधा संबंध होता है। और जबकि इतिहास में राष्ट्रीय चरित्र का संबंध हुआ कि मतलब इतिहास किसके साथ जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय चरित्र के साथ। और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण किसके बीच होता है? भौगोलिक स्थिति के बीच। तो इस तरह इतिहास और भूगोल के बीच क्या हुए? घनिष्ठ संबंध हुए। तो इस तरह प्रोफेसर माइकल ने क्या किया था, उन्होंने भूगोल को इतिहास का आधार बताया, कि जो भूगोल है वो इतिहास का एक तरह बेस है, आधार है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इतिहास और अन्य शास्त्र।
तो इसमें जो स्टैंगलर और टाइनबी जैसे इतिहासकारों ने लिखा था कि जो शिक्षा और संस्कृतियों के अध्ययन की बात करी थी कि अलग अलग युगों में किस तरह शिक्षा प्रणाली थी, किस तरह की संस्कृतियां थी, उनका भी इतिहास के साथ अच्छा संबंध है। इसके अलावा उन्होंने विश्व इतिहास की बात करी थी जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ इतिहास की बात की गई है। तो आज बच्चे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कल हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।